नमस्कार दोस्तों, और पेश बंसल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन वर्कर और लेबर यूनियन एटक के सदस्यों ने लोगों से पैसे वसूल करके लाभपत्री कार्ड बनाने वाले एक युवक को ट्रैप बनाकर काबू करके पुलिस के हवाले करवाया है। जानकारी देते हुए यूनियन के सदस्यों हंसराज गोर्डन, सुरेंद्र डांडिया, सुबेर सिंह व चिबन सिंह ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि लक्का मुसाहिब निवासी कंवलजीत सिंह, जो कि फाजिलका कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक प्राइवेट दुकान पर कंप्यूटर का काम करता है, द्वारा लोगों से 1500 रुपए लेकर लाभपत्री कार्ड 2 से 3 दिन में बनाकर दिए जाते हैं, जिसकी यह गारंटी देता है कि उसके द्वारा बनाया गया कार्ड बिल्कुल असली है, जिसे ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। जब उनको इस बात का पता चला तो वह हैरान रह गए, और क्योंकि रूल के मुताबिक लाभपत्री कार्ड बनाने में लगभग 5 से 6 महीने लग जाते हैं, जिस पर उन्होंने योजना बनाई, जिसके आधार पर डंडी कदीम निवासी शर्मा सिंह, नरेंद्र सिंह व सोना सिंह ने कंवलजीत सिंह को 1500 रुपए दे दिए और उनके सीरियल नंबर यूनियन के सदस्यों को दिए। यूनियन के सदस्यों ने जब लाभपत्री कार्ड ऑनलाइन चेक करवाए तो वह बिल्कुल सही था, जिसकी सूचना यूनियन के सदस्यों द्वारा डीसी श्रीमती ईशा कालिया को दी गई। सूचना मिलते ही डीसी श्रीमती ईशा कालिया ने सहायक कमिश्नर दिलीप सहगल को तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु भिजवाया, तथा उनके साथ अशोक मक्कड़ थाना सिटी के सचिव गुरमीत सिंह व पुलिस कर्मचारी भजन सिंह को साथ लेकर आरोपी कंवलजीत सिंह को अरेस्ट करके थाना सिटी ले आए, जिसके पास पुलिस को लगभग 500 लाभपत्री कार्ड की रसीदें भी बरामद हुई। थाना सिटी प्रभारी गुरमीत सिंह ने बताया कि यूनियन के शर्मा सिंह के बयानों के आधार पर उक्त आरोपी लखा मुसाहिब निवासी कंवलजीत सिंह के खिलाफ धारा 420, 465, 467, 471, 120 वी व 1988 करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। देखिए किस प्रकार से यहाँ यह ठगी का काम चल रहा था। जिन लाभपात्रियों को लाभ मिलना था उनको मिलने की बजाय करप्शन करके असली लाभपत्रियों के बजाय नकली लाभपत्रियों को लाभ दिए जा रहे थे। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ यूनियन के हंसराज गोल्डन में, अन्य सदस्यों से जानकारी दे रहे हैं। आरबीएल मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मसला यह है कि जोड़ा मकान सारी दीन जोड़ा लेबर एक्ट तहत कापियां बनदिया ने लाभपात्री पा कापियां कह लो, वो मतलब पिछले 3-4 महीने तो जिन्होंने अप्लाई कीतिया ने ऑनलाइन सेवा केंद्रा विच उन्होंने जी कापियां नहीं मिल रही। तो एक इतने पिंड लखा मुसाहिब का कंवलजीत सिंह नाँ का एक आदमी है, उन्हें अपना एक कचहरी के अपना दुकान खोली हुई है, तो जोड़ा भी कोई लाभपात्री उन्होंने 1500 रुपये दिता है वो कापी एक दिन देवे तो अगले दिन उन्होंने कापी मिल जाती है। कोई उन्होंने दस्खत करने की लड़ नहीं, कोई मैंबर सरपंच की दस्खत कराने की लड़ नहीं है, कोई ठेकेदार की मोहर लगवाण की लड़ नहीं है, अपने को ही तैयार करके सारा कुछ देता। वो मिली भुगत जी है वो अजय जड़ा है अजय कुमार लेबर का इंस्पैक्टर जो फाजिलका का वो मिली भुगत है, सारा कुछ अपने आप जाली तैयार करके। तो गरीब लोगों को पैसे जड़े जिमें सघन स्कीम का 31,000 आता है, तो वो 11,000 रुपया लैके तो 20,000 रुपया उन्होंने सघन स्कीम वाले मिलेगा, बकायदा साढ़े को रिकॉर्डा आनियां ने सारिया। सो असी साढ़े ध्यान चाहिए पिंड डंडिया शर्मा सिंह का नाँ साथी साडा पार्टी मैंबर है, तो होर दो साथी ने उन्होंने साढ़े ध्यान लिया कि इस तरह उत्थे जी ठगी चल रही है, तो असी उन्होंने भेजा भेज के तो असी डीसी साहब के ध्यान में भी गल लिया, उन्होंने फिर ड्यूटी लगाई है अपने जीए की, जीए ने पुलिस बुला के अज सिटी पुलिस में मौके पर सारे जी मोहर वगैरह जी जाली बनाई हुई सन, डाकूमेंट सारे जाली सन जोड़े, वो सारा कुछ वो फड़ के जरा उन्होंने अंदर बंद किया, तो अगली कार्रवाई जी चल रही है। ये जी असी 4-5 दिन पहले आए थे, तो उन्होंने कहा कि थोड़े को 1500 रुपया लिया जाएगा। शर्मे ने पहला 2 कापियां बनिया, शर्मा सिंह मतलब इन्होंने 3000 रुपया दिता, तो मेरे मैं हफ्ता ला नहीं सकया, मतलब अज मैं टाइम लिया, मैं 1500 लिया लैके कामरेड सुरिंदर सिंह से अपना गोल्डन सर इन्होंने मैं 1500 रुपया दिता है, जोड़ा कि मैं उसे शो करना से उसे उन्होंने दे के तो मतलब उन्होंने असी पढ़ाया। पहले 2 कापियां इस पहले बनी, पहले 2-2 महीने 3-3 महीने की कापियां बनने दिखाई हुई ने साढ़े को भी रसीदा है, मतलब वो अजे तक नहीं बनिया, इस बंद ने साड़ियाँ सीधियाँ बनवा के ऑनलाइन बनवा के दिखाई। जी लाभपात्री कापियां जैनवन बननी चाहिए ने वो बकायदा फार्म भर के वो ठेकेदार की मोहर लग के सरपंच या उन मैंबर तस्दीक करके सेवा केंद्र में जमा करवानी होंगी है, वो जिहड़ियां लाभपात्री कापियां जिन्हां नूं लाभ मिलना चाहिए है
ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਜੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਏਜੰਟ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਪਿੰਡ ਡੰਡੀ ਕਦੀਮ ਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਓ ਪਲੱਸ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ GA ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੀਜੀ ਕਾਪੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ 1500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ GA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਟਰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ SHO ਸਿਟੀ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ 1500 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਾਪੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 1500 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1000 ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 80,000 ਰੁਪਈਆ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ।